बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की देग के मुतालिक एक सवाल किया गया कि जो देग घुमाते हैं क्या ये घुमाना कबूल होने की हमारी दलील है कि हमारी जो नियाज फातिहा वह कबूल हो गई है, और ये देग घुमाने का जो मामला होता है क्या ये दुरुस्त है। जैसा कि आप वीडियो भी देख रहे हैं तो इस तरीके से एक देग रखी जाती है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम की, और मन्नत मांगी जाती है। तो देग को पकड़ते हैं तो देग घूमने लग जाती है, तो समझ लें उनकी वो जिस मुराद के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए उन्होंने इस देग को फातिहा खानी की थी, ये मामला किए थे, वो समझ लें उसकी कबूल हो गई है। और जिसकी घूमती है फिर उसको भी बाद में क्या करना पड़ता है, वो इसी तरीके से देख पका कर घुमानी पड़ती है। तो ये जो मामलात किए जाते हैं और ये जो मामलात आजकल मुआशरे में चल रहे हैं, तो आया शरीयत मुतारा इसके मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करती है और क्या ऐसा करना दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको इसी के मुतालिक बताएंगे, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहेगी। तो एक बात याद रखिएगा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और ये गरीब नवाज हैं। ये गरीबों को भी नवाजते हैं, अमीरों को भी नवाजते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की आता से, ठीक है ना। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारों को अता फरमाता है और ये आम बंदों को अता करते हैं। तो बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम की अगर कोई फातिहा खानी करवाता है, ठीक है ना, फातिहा खानी कराए, शिरनी के ऊपर कराए, किसी के ऊपर, लाजमी नहीं है देग बनाए और उसकी देग घूमेगी तो फिर वो फातिहा खानी आपकी कबूल होगी। नहीं, आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फातिहा खानी करते हैं तो वो आपकी कबूल ही कबूल है। कोई सिदके दिल से इखलास के साथ ये काम करता है। तो ये जो मामलात किए जाते हैं हमारे माशरे में चल रहे हैं कि देग के जो मामलात होते हैं, तो भाई ये सिर्फ जहालत पर मबनी है, ठीक है। मैं फातिहा खानी की मना नहीं कर रहा, लंगर की मना नहीं कर रहा, ठीक है। आप लंगर भी करें, आप फातिहा खानी भी करें, आप नज़्र नियाज भी करें, नियाज दिलाएं आप, इस पर कोई मामला नहीं है, इस पर मसला नहीं है, ठीक है, ये जायज़ है। लेकिन ये जो आजकल माशरे के अंदर जो मुरवजा ये देख का मामला चल रहा है, अभी मैं इस पर आपको वीडियो दिखा नहीं सकता, ऐसे बेहुदा किस्म की वीडियो की औरतें भी इसको देख कर पकड़ी हुई है और देख घूम रही है, और कितने ही लोग वहां पर मर्द और औरत का इख्तलात हुआ है, ना महरमों का इख्तलात है और औरत घूमती जा रही है, बेपर्दगी भी होती है, इसी तरह गिर जाती है वो, अल्लाह माफ करे। ऐसे ऐसे वाकई दरदारे बेहुदा फहश किस्म के मामला वहां पर नजर आते हैं। तो खुदारा 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 ऐसी जहालाना हरकत से अपने आप को बचाएं। अहले सुन्नत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अहले सुन्नत के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम इस अंदाज से जो किया जाता है इससे मना करते हैं। तो जो लोग करते हैं खुदारा ऐसे काम ना किया करें, जो करने वाले काम है आप वो काम करें, ठीक है। फातिहा खानी दिलाए, जैसे कि कल छठी शरीफ है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स है, तो घर में आप फातिहा खानी करें, आप नियाज दिलाएं, लंगर करें, ठीक है, जिस तरह आप कर सकते हैं, या किसी गरीब को दे दें, आप गरीब की मदद कर दें, जिस अंदाज से आप कर सकते हैं करें। लेकिन जो मुरवजा जो देख घुमाने का ये है, ऐसा ना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही काम करने, दुरुस्त मसले समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके में हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, हमारी जायज दुआएं अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।